गाइस आज मैं आपके लेके आया हूँ पापा छोड़ दो आपके बस की बात नहीं है। चलो चलो खाना खाओ। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मैं विहान रावत है और मैं लेके आ चुका हूँ नर्फ एंड स्ट्राइक का एलीट रिटेलिएटर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम इसकी अनबॉक्सिंग क्वालिटी और हाउ टू यूज़ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये खोल लिया था, पैकेजिंग बारिश हो गई थी तो पैकेजिंग में थोड़ी सी वो हो गई, तो हमने खोल दिया है। सिर्फ इसके अंदर ये है, तो इसके अंदर सिर्फ ये है। ये हमारी मेन गन है, ये इसका स्टॉक है, वर्टिकल ग्रिप है और ये इसका बैरल है। तो इसको हम खोलते हैं। ये इसकी मैनुअल है और ये हमारी मेन गन है, ये हमारा बैरल है, ये हमारी वर्टिकल ग्रिप, ये हमारा स्टॉक है और ये हमारी डार्ट्स। तो मैगजीन निकालने के लिए पहले तो हमें इसको पीछे करना पड़ेगा और फिर हमें इसको पीछे करना पड़ेगा और ये हमारी मैगजीन निकल गई। तो अब इसको हम असेंबल करते हैं। यहाँ से इसको अंदर डालेंगे और ये हमारी असेंबल हो चुकी। ये इसमें एक आयरन साइड भी है, इसको ऊपर करेंगे तो ये हमारी आयरन साइड खुल जाएगा। तो हमारा ये हमारे स्टॉक बैरल है और ये हमारा वर्टिकल ग्रिप है और ये हमारा स्टॉक है और ये हमारी मेन गन है और ये हमारी मैक्स है। इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, जब भी आपको यहाँ बीच में कुछ डार्ट फट जाती है तो उसके लिए हमें इसमें एक बार पीछे करना पड़ता है और ये जो है इसको खोल के यहाँ से हम बीच में देख भी सकते हैं, आप देख रहे होंगे, और फिर यहाँ से हम वो डैम जो बीच में डार्ट फटी है उसको निकाल भी सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे को नर्फ की बहुत सही लगती है। नर्फ ने हर गन में इस चीज़ का कर रखा है, तो मेरे लिए नर्फ गन बहुत ही अच्छी है वाली रिटेलिएटर। और क्वालिटी वाइज बात है तो क्वालिटी बिल्कुल ही फाइन है। और अब हम इसमें डार्ट्स भरते हैं। आपको ये एरो दिख रहा होगा तो हमें ऑरेंज साइड को इधर रखना पड़ेगा एरो की तरफ और इसमें सिर्फ 12 डार्ट ही आएगी। तो रिलोड हो चुकी है हमारी गन। दोस्तों यही था हमारा आज का रिव्यू। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो ये गन मेरे को तो ऑसम लगी और ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है 1800 रुपये की। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तब तक के लिए की शूटिंग उतरी है। तो वीडियो वाला